शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मालवा, निमाड़ और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पूर्व की गतिविधियां नजर आने लगी हैं। बारिश के साथ साथ आलू प्याज के बाजार में तेजी की उम्मीद की जा रही है। अन्य प्रदेशों की मंडियों की स्थितियां भी इसी धारणा को बल दे रही हैं। दरअसल बंगाल में ताजा उत्पादन वर्ष में आलू का उत्पादन काफी घटा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश का आलू झारखंड, बिहार से लेकर असम तक भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आलू का दबाव देश के अन्य प्रदेशों की मंडियों में सीमित है। पश्चिम बंगाल में आलू के दाम 2400 रुपए ऊपर में ज्योति क्वालिटी में पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में आलू की मांग देश के तमाम क्षेत्रों से निकलने के बाद मंडियों में इसमें तेजी आएगी। अभी इंदौर मंडी में स्थानीय स्तर आलू भरपूर है, कोल्ड स्टोर में स्टॉक भी काफी है। वहीं इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में भी उत्तर प्रदेश से 3 गाड़ी आलू पहुंची हैं। लोकल आलू की आवक सीमित होकर 8000 बोरी तक है। इंदौर में आलू के दाम मजबूती पर टिके हुए हैं। ऊपर में आलू 1500 से 1550 रुपए तक बिका है। प्याज लहसुन के दामों में भी बारिश के साथ तेजी की ही उम्मीद की जा रही है। प्याज की आवक भी 30,000 बोरियों तक देखी जा रही है और दाम भी मजबूत ही बताए जा रहे हैं। ऊपर में प्याज 1400 तक बिकी भी है। वहीं लहसुन की आवक भी 8,000 बोरी तक सीमित है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।